कॉर्ड हमारे पास क्या दे रखा है, इंडी दे रखा है, और बोल रखा है कि एसी के बैच मीटर जो दे रखे हैं यहाँ पे एसी, इसी के पैरेलल हमारे पास ईडी कॉर्ड दे रखा है। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास पैरेलल दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो सीबीई जो एंगल हमारे पास ये 65 डिग्री दे रखा है। सीबीई एंगल की अगर बात करें दैट मींस ये हमारे पास 65 डिग्री एंगल दे रखा है, ये हमारे पास 65 डिग्री दे रखा है। और हमसे पूछ रखा है डीईसी एंगल कितना हो जाएगा, दैट मींस ये अपने पास डीईसी एंगल ना, ये सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास थीटा है, ये एंगल कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर्कल में कि अगर डायमीटर पे अगर कोई ट्राइंगल अगर बनाते हैं सर्कल फ्रेंड्स को लेकर के, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि अगर सेम आर्क पे अगर हमारे पास या सेम कॉर्ड में हम क्या बनाते हैं, दो ट्राइंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो उनका टिप एंगल जो होता है हमारे पास कैसा होता है, सेम होता है। ये वाला एक टिप एंगल और ये वाला हमारे पास सेम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पॉइंट ए और ई को, अगर कनेक्ट कर देते हैं अपन ए और ई को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, जो कि इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने लिया है। साथ साथ अगर कॉर्ड अगर ईसी की अगर बात करें तो ईसी कॉर्ड पे हमारे पास टिप एंगल की अगर बात करें ए और बी है, दैट मींस ये वाला भी हमारे पास 65 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास ट्राइंगल की अगर बात करें, ट्राइंगल ए सी ई की अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास पैरेलल है, दैट मींस ये वाला एंगल भी हम थीटा लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां से देखा जाए तो 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 25, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। साथ साथ यहाँ पे ए बी हमारे पास डायमीटर दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है एसी भी हमारे पास कितना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या दे रखा है, ओ बी और ओ डी की अगर बात करें तो ये हमारे पास रेडियस आर के बराबर ही होगा, दैट मीन्स ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है ओ डी बी की अगर बात करें तो ये हमारे पास आइसोसेलस ट्राइंगल का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये अगर हमारे पास सेंटर पे बनने वाला एंगल अगर हमारे को ये दे रखा है कि 80 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ पे बनने वाला हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी हमारे पास 50 डिग्री एंगल हो जाएगा। साथ साथ अगर बात करें तो टोटल ये हमारे पास डायमीटर है, दैट मींस यहाँ पे बनने वाला ये टोटल एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 है ये, 50 डिग्री है हमारे पास, दैट मींस ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री का हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल की अगर बात करें, थोड़ा सा ट्राइंगल को एक्सटेंड कर देते हैं अपन इस तरीके से। अगर ट्राइंगल को अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। टोटल एंगल बी की अगर बात करें तो 50 और 30 हमारे पास कितना हो जा रहा है, 80 डिग्री का हो जा रहा है। साथ साथ अगर बात करें तो ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री दे रखा है। अपने को फाइंड क्या करना है, एसी भी, दैट मींस ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 80 है, ये 40 है, दैट मींस कंप्लीटली ये हमारे पास 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि हमारे पास फिगर में ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ पे फाइंड करना है अपने को एक्स और वाई का सम फाइंड करना है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होगा वो कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल होगा कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, सेंटर पे ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एरो का फॉर्मेशन कर रहा है, तो सेंटर पे अगर हमारे पास 2 थीटा अगर एंगल बनता है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सेंटर पे जो बन रहा होता है एंगल जस्ट उसका हाफ हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे। और साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे की अगर एंगल की अगर बात करिए, पॉइंट अगर सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट एम है और ये हमारे पास पॉइंट एन है, तो ये टोटल अगर फिगर की अगर बात करें, ए एम बी एन की अगर बात करें, तो ए एम बी एन हमारे पास क्या बन रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर बात करें तो ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है हमारे पास 180 डिग्री के बराबर ही होता है। दैट मींस हमारे पास एंगल एन और एंगल एन की अगर, एंगल एन और एंगल एम की अगर बात करें, सम जो होगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो एंगल होगा ये अगर सपोज कर लेते हैं अपन अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये हमारे पास ए और सी पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड करके हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। ये अगर हमारे पास सेंटर पे ये 70 डिग्री है, दैट मींस यहाँ पे सेंटर पे ये वाला एंगल जो बनेगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो इस पॉइंट को अपन थोड़ी देर के लिए एम मान लेते हैं, कंसिडर करेंगे। तो एम पॉइंट पे बनने वाले ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 110 का हाफ हो जाएगा, दैट मींस 55 डिग्री। अगर 55 डिग्री होता है दैट मींस वाई की अगर बात करें तो वाई का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री
-55 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास वाई। इसी तरीके से दूसरी तरफ से अगर यहाँ पर ड्रॉ किया जाए, एफ और डी को अगर कनेक्ट किया जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे भी जो बन रहा है हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 110 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा टिप पे जो एंगल बनेगा ये हमारा 110 का हाफ हो जाएगा, दैट मीन 55 डिग्री। अगर 55 डिग्री हो रहा है तो एक्स की अगर बात करें तो ये एक्स भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री -55 डिग्री। यहाँ से एक्स प्लस वाई का सम पूछा जा रहा है, तो एक्स प्लस वाई अगर लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 180 डिग्री -55 डिग्री प्लस 180 डिग्री -55 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री -110 डिग्री। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। तो x प्लस वाई का जो सम होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा। कि ए बी ई डी और सी हमारे पास क्या दे रखा है, कौन सा पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्किट पे लाई कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें ए सी बी हमारे पास दे रखा है, ए सी बी की अगर बात करें तो ए सी बी अपने को दे रखा है 60 डिग्री और ए डी अपने को दे रखा है 50 डिग्री। उनसे पूछा जा रहा है डी ई बी का वैल्यू क्या होगा। डी ई बी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है सेम आर्क पे या सेम कॉर्ड पे, अगर हम क्या करते हैं, अगर ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर देते हैं तो टिप पे बनने वाला ये जो एंगल होगा ये हमारे पास सेम होगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं अगर कनेक्ट कर दूँ ये वाला कॉर्ड अगर कनेक्ट कर दूँ तो दैट मीन्स यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होना चाहिए टोटल कम्प्लीटली इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये हमारे पास इसको मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूँ और यहाँ पे बनने वाला हमारे पास 60 है, दैट मीन्स यहाँ पे कम्प्लीटली थीटा प्लस 50 अगर किसके बराबर अगर इक्वल करेंगे तो हमारे पास 60 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू हमारे पास जो होगा 10 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें दे रखा है हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। यहाँ पे बोला जा रहा है CD is produced to point E, CD को यहाँ पे देख पाओगे CD को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट E तक, और यहाँ पे BCE का वैल्यू अपने को दे रखा है 45 डिग्री। BC दैट मींस ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये अपने को 45 डिग्री दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है BFD, BFD की अगर बात करें तो ये BFD रहा है, ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए थीटा कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, कि अगर हमारे पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर यहाँ पे फॉर्म किया जा रहा है तो अगर यहाँ पे बनने वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा होता है तो ये वाला भी एंगल हमारे पास थीटा होता है, अगर ये एंगल अगर हमारे पास अल्फा है तो इस साइड बनने वाला भी एंगल हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा। इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करके देखे तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होगा यहाँ पे थीटा डायरेक्टली हम यहाँ से इक्वेट कर पाएंगे, ये हमारे पास कितने के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर। इसे आप देखेंगे एरो कॉन्सेप्ट एंगल पे, एरो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कुछ एरो दे रखा है, एरो के अंदर हमारे पास बोलता है कि ये हमारे पास अल्फा एंगल है, ये हमारे पास बीटा एंगल है और ये हमारे पास थीटा एंगल है, और जो एक्सटीरियर यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहा होता है उसको बोल देता है कि हमारे पास ये ईटा एंगल है। तो इसमें हमारे पास क्या रिलेशन होता है, ईटा थीटा बीटा पे क्या हमारे पास रिलेशन होता है, तो यहाँ पे रिलेशन होता है ईटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, ये हमारे पास रिलेशन होता है। अब देखेंगे रिलेशन एग्जैक्टली आता कहाँ से, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले ये जो पॉइंट अपने को दे रखा है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पे बनने वाला जो हमारे पास एंगल होगा वो टोटल एंगल जो है इसको थीटा अपन सपोज कर रहे हैं, और ये येलो लाइन के कारण हमारे पास सपोज कर लेते हैं ऊपर वाला एंगल थीटा वन है और नीचे वाला बनने वाला एंगल जो है हमारे पास थीटा टू है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा एंगल ही बन रहा था और यहाँ पे हमारे पास बीटा एंगल बन रहा था। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल अगर इस तरीके से बन रहा होता है तो ये हमारे पास एंगल एक्स और ये हमारे पास एंगल वाई है और ये हमारे पास एंगल थीटा है। तो एक्स और वाई की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स और वाई जो हमारे पास एंगल कहलाता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो थीटा जो होगा एक्स प्लस वाई के सम के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है कि कोई भी ट्राइंगल अगर दे रखा है उसमें अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर के एंगल के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा दिया जाए तो ये वाला एंगल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा वन के बराबर हो जाएगा, और नीचे वाले ट्राइंगल में अगर बात करें तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा टू, और टोटल एंगल अपने को दे रखा था ये पूरा
डेल्टा, डेल्टा की अगर बात करें, डेल्टा को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा वन, बीटा प्लस थीटा टू, या फिर थीटा वन और थीटा टू को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास थीटा के बराबर ही हो रहा है, थीटा वन प्लस थीटा टू। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है ईटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। ये रिलेशन हमारे पास कुछ यहाँ से आता है।